blood. First blood. सो व्हाट्सअप गाइस, किसो आप लोग आई होप सब अच्छे होंगे। तो गाइस आज की वीडियो हम लोग जाने ले लैग के बारे में। तो गाइस अगर आपका मोबाइल भी लैग मारता है तो ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाला है, क्योंकि आज की वीडियो में वही बताने वाला हूँ कि आप अपने मोबाइल को लैग से कैसे फ्री कर सकते हो। कुछ ऐसे टिप्स बताने वाला जो कि खासकर उनके लिए इम्पोर्टेंट है जो 2GB रैम में खेलते हैं, 3GB और 4GB रैम में खेलते हैं, उनमें बहुत ज्यादा लैग देखने को मिलता है। तो आपको बिल्कुल भी लैग नहीं देखने को मिलेगा अगर आप ये ट्रिक्स को फॉलो करते हो। तो अगर आप हाई डिवाइस में खेलते हो तो भी आपके लिए वीडियो यूजफुल होने वाला है, क्योंकि आज की वीडियो में जो ट्रिक्स बताने वाला अगर आप उसको फॉलो करते हो तो आपका गेम और भी ज्यादा स्मूथ चलेगा और आपका जो गेमिंग स्किल है वो भी दिन पे दिन इंप्रूव होते जाएगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहना, क्योंकि ये जो वीडियो आप लोग के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाला है। तो चलो गाइस वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो जैसे कि सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर देना। तो चलो गाइस वीडियो स्टार्ट करते हैं छोटे से के बाद। तो गाइस आपको अपने मोबाइल में से अगर पूरी तरीके से लैग को खत्म करना, अगर आप 2GB रैम में खेलते हो, 3GB या 4GB रैम में खेलते हो, अगर लैग को पूरी तरीके से खत्म करना है तो गाइस सबसे पहली चीज जो कि आपको गेम के अंदर करना है वो है गाइस आपको एक्सपेंसिव पैक कभी भी डाउनलोड नहीं करना जब आप 2GB 3GB या 4GB रैम में खेलते हो। तो ये बेसिक से पॉइंट है, बट ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप बिन मतलब के 1GB के एक्सपेंसिव पैक डाउनलोड करोगे तो आपको लैग देखने को 101% मिलेगा। क्योंकि इस अपडेट के बाद जो है अपना एक्सपेंसिव पैक है पूरा 1000MB का हो चुका है, यानी 1GB का हो चुका है। पहले 700 का रहता था, 600 का रहता था, इसलिए इतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होता था, बट अभी 1GB का हो चुका है। प्लस आपका जो मैप है वो एक्स्ट्रा डाउनलोड करना पड़ता है, पेट का एक्सपेंसिव पैक डाउनलोड करना पड़ता है, प्लस आपका जो बर्मुडा रिमास्टर हो गया, परगेटरी हो गया, ये सब डाउनलोड करना पड़ता है। तो आप एक टाइम पे परगेटरी डाउनलोड कर सकते हो, बट रिमास्टर डाउनलोड करने का, कलेक्शन पैक डाउनलोड करने का, ये सब का कोई मतलब नहीं है अगर आप 2GB 3GB या 4GB वाले खेलते हो तो। क्योंकि लास्ट टू लास्ट आपका मोबाइल लैग मारेगा एक्सपेंसिव पैक की वजह से। जो आप पहनते हो ड्रेस आप डाउनलोड करके रख सकते हो, और दूसरी चीज जो एक्सपेंसिव पैक का प्रॉफिट है, आपके सामने कितना भी बड़ा प्रो आ जाए आपको नूबी दिखने वाला है। इसलिए अगर आप 2GB 3GB या 4GB रैम में खेलते हो और आपके मोबाइल के अंदर लैग देखने को मिलता है तो आप एक्सपेंसिव पैक को डाउनलोड मत करो। अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप के तब, जिसको अगर आप फॉलो करते हो तो आपका जो लैग है बहुत ज्यादा कम हो जाएगा, और ये आपको करना ही अगर आप 2GB 3GB या 4GB रैम में खेलते हो तो। तो सबसे पहले आपको क्या करना, अपने मोबाइल के सेटिंग में चले जाना है, फिर सर्च करना है एप्स, जैसे देख सकते हो मैंने ऐप सर्च कर लिया, फिर आपको उसके ऊपर क्लिक करना है, फिर आपको मैनेज एप्स के ऊपर क्लिक करना है, फिर जितने भी ऐप्स है सबका नोटिफिकेशन ऑफ कर देना, और नोटिफिकेशन के ऊपर आपको एक और चीज दिखेगा वो है डाटा यूजिंग, उसके ऊपर क्लिक कर देना है और बैकग्राउंड डाटा ऑफ कर देना है। इससे होगा क्या, जिससे होगा क्या, आपने जिस ऐप का बैकग्राउंड डाटा ऑफ किया है वो बैकग्राउंड में आपका डाटा यूज नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से आपका पिंग भी हाई नहीं जाएगा। और आप लोग को पता ही होगा अगर आपका पिंग हाई नहीं जाएगा तो लैग भी नहीं होगा, क्योंकि आपका जब भी पिंग हाई होता है तब तब आपका मोबाइल लैग होता है। इसलिए आपको हर एक ऐप का बैकग्राउंड डाटा ऑफ कर देना, उसी के साथ नोटिफिकेशन भी ऑफ कर देना। आप लोगों को पता ही होगा आप गेम खेलते हो और नोटिफिकेशन आ जाता है तो कितना ज्यादा मोबाइल लैग मारता है, तो इसलिए बैकग्राउंड डाटा के साथ आपको नोटिफिकेशन को भी ऑफ कर देना है। अभी बढ़ते गाइस नेक्स्ट ट्रिक की तरफ, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसको भी आपको जरूर से फॉलो करना है, वो है गाइस आपके मोबाइल में जितने भी फालतू के एप्लीकेशन है सबको डिलीट कर देना है। और ये आपको लो डिवाइस में भी करना है और हाई डिवाइस में भी करना है, फर्क नहीं पड़ता कि वो 1MB का है, 2MB का है या 300MB का है, क्योंकि वो ऐप आपका सिर्फ स्टोरेज नहीं लेता है, प्लस वो आपके बैकग्राउंड में भी रनिंग रहता है, जिसके जैसे आपको पिंग प्रॉब्लम देखने को मिलता है। और आपको जब जब पिंग प्रॉब्लम देखने को मिलेगा तब तक आपको लैग देखने को मिलेगा, ये आपको हमेशा ध्यान में रखना है। इसलिए आपको पिंग को भी सुधारना है, प्लस आपको मोबाइल के स्टोरेज को भी मेंटेन रखना है। तो ये सेटिंग आपके लिए परफेक्ट होने वाला है, जो आपका फालतू एप्लीकेशन उसको डिलीट भी कर देना, जिससे आपका जो पिंग है वो भी सही रहेगा, प्लस आपके मोबाइल का स्टोरेज भी कम होगा। अभी बढ़ते गाइस नेक्स्ट ट्रिक की तरफ, जो कि ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है गाइस Force 4X MSAA। मैंने ये पिछले सेटिंग के वीडियो में बताया था, और इसलिए ही बताया था जिससे आपका मोबाइल लैग ना मारे। और ये आपको कब करना है, जब आप बहुत ज्यादा लो डिवाइस में खेलते हो, जैसे कि 2 या 3GB में खेलते हो, अगर आप इसको ऑन कर लेते हो तो इससे आपका बहुत हद तक मोबाइल लैग करना कम कर देगा।
बट इसका एक लॉस पॉइंट ये है कि इससे आपका मोबाइल का बैटरी बहुत जल्दी जाएगा। इसलिए आपको ये कब ऑन करना है, जब आप बहुत ज्यादा लो डिवाइस में खेलते हो और आपका मोबाइल बहुत ही ज्यादा लैग करता है, तभी आपको इसको ऑन करना है। और लास्ट ट्रिक ये कि हम लोग बहुत सारे जो बूस्टर ऐप होते हैं और बहुत सारे क्लीन करने के ऐप होते हैं, उसको हम लोग बिन मतलब डाउनलोड कर लेते हैं। बहुत सारे जो यूट्यूबर है उनको प्रमोट मारते हैं और हम लोग डाउनलोड कर लेते हैं, नहीं तो हम लोग को इधर ही आजू बाजू में कोई वेबसाइट पे दिख जाता है और उसको हम लोग डाउनलोड कर लेते हैं। तो ऐसा आपको कभी नहीं करना है, क्योंकि आप जिस ऐप को डाउनलोड कर रहे हो वो भी एक ऐप है और वो आपके बैकग्राउंड में डाटा यूज करेगा, और डाटा यूज कर रहा है और स्टोरेज बढ़ा रहा है, उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं। आप हाई डिवाइस में खेलते हो तो डाउनलोड कर सकते हो, बट प्रॉब्लम ये कि वो ऐप आपके डिवाइस के लिए सही है कि नहीं है। तो फालतू का एप्लीकेशन डाउनलोड मत क्या करो, और ऐसा ऐप भी डाउनलोड मत क्या करो जिसमें आप सुनते हो कि गेम खेलने से पैसा मिलता है। ये ऐप सभी डाउनलोड मत क्या करो, क्योंकि ये ऐप भी डिवाइस के लिए अच्छे नहीं होते। तो चलो गाइस, आज की वीडियो में इतना। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे पहले जल्द से कि सब्सक्राइब कर देना। अगर इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो फॉलो भी कर सकते हो, क्योंकि हम लोग बहुत ज्यादा पास है 7000 फॉलोअर्स के। तो अगर आपने अभी तक फॉलो नहीं किया तो फॉलो भी कर सकते हो। तो चलो गाइस, आज की वीडियो में इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।